ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन यानी कि मिथुन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो इधर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन, देखते हैं जेमिनी के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द फेस्टिव सीजन। ओके जेमिनी, ओके यस, वी हैव दैट फॉरवर्ड मूवमेंट कार्ड। किसी चीज में से बाहर निकल रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यू आर यू नो लाइक कॉन्स्टेंटली मूविंग अहेड। इट्स अबाउट अपनी क्रिएटिविटी, क्रिएटिव हो रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। मे बी हो सकता है इट्स अबाउट योर कनेक्शंस, मे बी इट्स अबाउट योर यू नो योर ओन एनर्जी एक्सपेंशन दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप यू नो लाइक आगे बस अपनी लाइफ में आप एक स्टेप फॉरवर्ड यू नो लाइक आप बाउंड्रीज को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एंड यू आर गेटिंग डे बाय डे यू आर गेटिंग मोर एंड मोर क्लैरिटी कि क्या है, कैसे है, क्या होगा। सो यू आर गेटिंग लॉट ऑफ क्लैरिटी इन योर लाइफ। तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर ऑल द जेमिनी। चलिए अब हम आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं। ओके सो अगर लव लाइफ की बात करें, आई थिंक आपकी साइड से देखिए ऐसा नहीं है कि देर इज़ लाइक लैक ऑफ लव या आपकी लाइफ में कोई यू नो इंटरेस्ट नहीं है, कोई शो नहीं। देर आर पीपल अराउंड यू, देर आर चॉइसेस अराउंड यू, या यू कह लीजिए सो मैनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन यू। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ फॉर फ्यू जेमिनी, लेकिन यू आर गोइंग थ्रू अ बिट्रेयल। आप खुद बिट्रेयल के थ्रू निकल रहे हैं। हो सकता है कि आप यू वॉन्ट समबडी बैक इन योर लाइफ, और हो सकता है कि मे बी यू आर काइंड ऑफ इन टू अ हीलिंग जोन। ठीक है, आप अपने आप को हील कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है ये एक ट्विन कनेक्शन है एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ इट, और यू आर हीलिंग योर सेल्फ, या आपका डायरेक्ट कनेक्शन कहते हैं ना ऊपर गॉड के साथ, तार के साथ तार जुड़ा हुआ है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। बट येस, बिट्रेयल जरूर है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई मस्ट से दे हैव चॉइसेस। इस पर्सन के अराउंड भी बहुत चॉइसेस मुझे दिखाई दे रही हैं, और मे बी दे आर बिजी चूजिंग कि क्या करें क्या नहीं करें। एंड येस ऑफ कोर्स सी, हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ गेटिंग क्लैरिटी कि वो क्या चाहते हैं, यू नो शादी चाहते हैं, क्या चाहते हैं। और मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड, या दिस पर्सन इज़ मैन्यूपुलेटिव, यू नो, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि येस लाइक दे आर काइंड ऑफ लाइक गुड इन वर्ड्स, यू नो मतलब कुछ भी जो भी दिखाई दे रहा है। येस मैरिड हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। सी नॉट फॉर एवरीवन, ये पर्सन या तो ऑलरेडी कनेक्शन में है, वेट कर रहे हैं कि कब चीज़ें स्मूथ हो, या वेट कर रहे हैं, या उनको पता है कि कुछ यू नो क्लैरिटी, मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है दे हैव टू किड्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड एंड दे नो व्हाट इज़ हैपनिंग, या कुछ नहीं हो सकता। और कुछ केसेस में हो सकता है दिस पर्सन हैज़ ऑप्शंस एंड दे चीटेड एंड दे बिट्रेड यू, एंड हो सकता है कि बिना बताए एकदम से भाग गए हों। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। नाउ व्हाट दे वांट, आई थिंक ये जो पर्सन, ये जो भी पर्सन है, आई थिंक इट्स वी आर गेटिंग दैट डेथ कार्ड एनर्जी, यू नो। तो या तो अपने इमोशन को दबा रहे हैं, ठीक है, अपने इमोशंस को बरी कर रहे हैं, और मे बी इट्स अबाउट ब्लॉकिंग द कम्युनिकेशन। ठीक है, कि नहीं बात नहीं करनी, या कम्युनिकेशन को ब्लॉक करना या रिजिस्ट करना। ठीक है, अंदर ही अंदर, चाहे वो हो सकता है कि कोडिपेंडेंट हो, ठीक है, अंदर ही अंदर। बट येस ऑफ कोर्स दिस पर्सन मे बी, हो सकता है कि किसी के लिए आपको छोड़ दिया हो, या देयर माइट बी समबडी एंड नाउ दे आर वेरी वेरी स्लो। तो आगे की अगर बात करें फ्यूचर की, येस ऑफ कोर्स देखिए मुझे एक
जेमिनाई, देयर इज़ नॉट डेफिनेट एंडिंग हियर, मुझे एंडिंग नहीं दिखाई दे रही. हो सकता है कि आप लोग फिर से दोबारा से एक लेवल पे आकर कनेक्ट करें, बिकॉज विद द डेविल कार्ड यू नो लाइक इट्स अबाउट कमिंग बैक अगेन एंड अगेन. और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट जगलिंग. तो व्हाट विल लाइक आपके लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट गेटिंग क्लैरिटी, गेटिंग इनसाइट, यू नो अंदर की आंखें, जैसे मैं कहते हैं ना मन की आंखें खुल जाना, कि कहाँ आप स्टैंड करते हैं, कहाँ ये रिलेशनशिप स्टैंड करता है क्या नहीं है. यस, कोई कुछ लोगों के लिए नया लाइक न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू आर गेटिंग इन्वॉल्व इन योर मनी एंड ऑल दैट सेक्टर. तो जेमिनाई के लिए आई थिंक यू शुड स्टॉप वरिंग. आपको मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, पेशेंटली वेट करना चाहिए. अब आप कहेंगे कि आप कब से वेट कर रहे हैं, बिकॉज यही आपके जो डिवाइन जो आपके गाइड्स हैं वो यही चाहते हैं आपसे, दैट यू शुड कीप लिटिल पेशेंस. और येस ऑफ कोर्स वी हैव दैट किंग ऑफ कप्स एनर्जी, सो द लव यू डिज़र्व इज़ हियर, यू नो दैट यू डिज़र्व लव एंड यू डिज़र्व यू नो लाइक द बेस्ट. तो फिर आप क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, यू नो. तो अगर चाहे आप सिंगल हैं, अगर जो भी है या वॉट एवर, आप चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन ही चेंज हो, या आप चाहते हैं, देन यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू बी इनटू दैट जोन. आपको पेशेंस रखना होगा और आई थिंक थिंग्स विल डेफिनेटली गेट बेटर फॉर यू विद टाइम. ओके, तो ये थी आपकी लव लाइफ की बात. अब हम बात करेंगे करियर की. ओके, अगर हम जेमिनाई की करियर की बात करें, लेट्स सी कि ये जो महीना है कैसा रहेगा आपके लिए. ओके, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है. आई थिंक कुछ लोगों के लिए जेमिनाई, यू आर लुकिंग फॉर सम स्पेस, या हो सकता है इट्स अबाउट लाइक बहुत ज़्यादा आपके मन में विचार चल रहे हैं कैसे होगा क्या होगा, बट वी हैव दैट ब्यूटिफुल एनर्जी. जो आपके एफर्ट्स हैं जो आप कर रहे हैं विद दैट सेवन ऑफ पेंटिकल्स, यू नो इट्स अबाउट पुटिंग एफर्ट्स एंड वेटिंग फॉर दिंग. ठीक है, आप कभी कभी मायूस भी हो जाते हैं, डोंट बी, बिकॉज आने वाला टाइम आपके लिए बहुत खुशियाँ लेके आ रहा है. चाहे हो सकता है अक्टूबर एंड हो या कुछ, आने वाले टाइम में आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी. एंड येस, आपके जो करियर में एक बहुत अच्छा बैलेंस आएगा, बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, यू नो नॉलेजेबल पर्सन. कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, डूइंग समथिंग न्यू, ट्राइंग समथिंग न्यू, बीइंग क्रिएटिव इन योर ओन जोन. सो आई थिंक द गुड न्यूज इज लाइक शायद हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए एफर्ट पुट कर रहे हैं एंड हियर इट इज़. ठीक है, मान लीजिए कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए, वैसे भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं. कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट पेशेंटली वेटिंग फॉर समथिंग एंड यू विल गेट इट. तो अब हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या है फॉर ऑल द जेमिनाई, कि एंजल्स की तरफ से फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर क्या गाइडेंस है. ओके, सो फॉर ऑल द जेमिनाई, आई थिंक स्टॉप वरिंग. आपके अराउंड एक ब्यूटिफुल एनर्जी है. वी हैव दैट मास्टर कार्ड हियर. अब इसका क्या मतलब है, दैट देयर इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी अराउंड यू, लेकिन आप वरी इतना करते हैं कि आप देख ही नहीं पा रहे. आपने दरवाजे बंद करके रखे हुए हैं, वो जो आपके पीछे खिड़की है ना उसको खोलिए, शायद यू नो इट्स अबाउट ओपनिंग अप समथिंग. या बाहर वी कैन सी, देखिए कि दरवाजे बंद किए हुए हैं किसी ने एंड यू आर नॉट लेटिंग इन कि कहीं से आपको लाइट आ जाए. तो फॉर दैट यू हैव टू ओपन अप एंड आपकी आपको बहुत ज़्यादा यू नो लाइक अंदर ही अंदर आपको फील होगा, आपको रियलाइज़ होगा दैट आपकी असली खुशी क्या है, यू नो, बिकॉज वी हैव दैट ब्यूटिफुल मास्टर कार्ड हियर. योर हैप्पीनेस लाए हियर. सो क्लोज मत कीजिए, जो भी है अपना दायरा उसको लाइक ओपन अप कीजिए एंड फाइंड योर इनर हैप्पीनेस एंड फाइंड योर रियल हैप्पीनेस. ठीक है, सो दिस इज़ इट, दिस इज़ फॉर जेमिनाई. आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइए. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.